मृत्यु और परलोक की यात्रा पार्ट टू। जीवात्मा का स्वरूप। जीवात्मा और परमात्मा में अभेद संबंध। इस समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का एकमात्र कारण यह परम पर ब्रह्म है। अन्य सभी उनके कार्य हैं। उनकी शक्तियों का जब प्रकटीकरण होता है तो इस जड़ चेतना सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्म की परा प्रकृति चेतन का स्वरूप ही यह जीवात्मा है तथा अपरा प्रकृति का स्वरूप यह समस्त जड़ समुदाय है। इस प्रकार यह जीवात्मा उस एक ही ईश्वर का अंश होने से उससे अभिन्न है। जीवात्मा की परमात्मा से अभिन्नता होते हुए भी वह प्रकृति के मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि के आवरणों के कारण उससे भिन्न भी हो गई है। उपासना की दृष्टि से इन दोनों की एकता स्थापित की जाती है, किंतु कारण कार्य भाव से पिता पुत्री की भांति एवं दूध दही की भांति ये दोनों अभिन्न होते हुए भी भिन्न हो गई है। दोनों के गुणों में भिन्नता आ गई है। जिस प्रकार दही दूध का ही रूप है, किंतु वह स्वयं दूध कैसे हो सकता है? दही और दूध भिन्न भी नहीं है तथा भिन्न है भी नहीं। ऐसा ही ब्रह्म और जीवात्मा है। जिस प्रकार दही पुनः दूध नहीं हो सकता, उसी प्रकार विकार को प्राप्त हुई जीवात्मा कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। उसका यह भेद अनादिकाल से है, किंतु जब वह अपने समस्त विकारों का त्याग कर देती है तो वह शुद्ध आत्मा भाव को प्राप्त हो जाती है, जो स्वयं ब्रह्मा ही है। इस स्थिति में लय मुक्ति कहते हैं। उपासना काल में उसे ऐसी अनुभूति हो जाती है कि मैं तथा ब्रह्म भिन्न नहीं है, मैं उसी का परिवर्तित स्वरूप हूँ। किंतु जानना और हो जाना दो भिन्न स्थितियां है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह जीवात्मा उसे जानने वाला है। जानने वाला स्वयं सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? विद्युत को जानने वाला कभी स्वयं विद्युत नहीं हो सकता। ऐसा ही परमात्मा और जीवात्मा है। परमात्मा और जीवात्मा के धर्मों में भेद हो जाने से जब तक वह अपने धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर देती, तब तक उसकी परमात्मा से भिन्नता बनी रहेगी। इसी तरह या इसकी यह भिन्नता निम्न प्रकार से है। जीवात्मा और परमात्मा में भिन्नता। जीवात्मा और परमात्मा की ही भांति विभू व्यापक है, किंतु प्रकृति के आवरणों के कारण उसका कारण शरीर निर्मित हो गया है, जिससे उसके सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का निर्माण हो गया। इस कारण यह सीमित और एक देशी हो गया। इस कारण शरीर के आवरण के ही कारण प्रलय काल में भी उसका अपना अलग विभाग बना रहता है तथा सृष्टि काल में भी शरीर के संबंध से उनके कर्मों का मिश्रण नहीं होता, विभाग बना रहता है। इस कारण से जितने शरीर हैं उतनी ही जीवात्माएं हो गई है, जिससे उसकी व्यापकता सीमित हो गई। सभी व्यक्ति की जीवात्माएं भिन्न भिन्न है, यही मैं का स्वरूप है। इस प्रकार यह जीवात्मा एक देशी हो गया। यह शरीर का अधिष्ठता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। जीवात्माएं अनेक हैं, किंतु परमात्मा एक है। जीवात्मा अहंकार से ग्रस्त होने के कारण राग द्वेष वासना इच्छा कर्म पुरुषार्थ सुख दुख जानना आदि गुणों वाली है, जबकि परमात्मा इन सब के परे इसका साक्षी है। जीव व्याप्य है।
ईश्वर व्याप्य है। जीवात्मा आसक्ति के कारण भोग एवं उसके फलों का भोगता है। परमात्मा इसका साक्षी व दृष्टा मात्र है। परब्रह्म उपास्य है तथा जीवात्मा उपासक है। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा उसका शासक एवं स्वामी है। वह प्रकृति का भी स्वरूप है। ब्रह्म जानने योग्य है, जिसके जानने से जीवात्मा को मुक्ति लाभ मिलता है। जबकि जीवात्मा जानने वाला है, ब्रह्म आनंदमय है, जीवात्मा दुखों से घिरा रहता है। देवता भी जीवात्मा ही है, किंतु मनुष्य से थोड़े ऊपर है। परमेश्वर कारण है, जीव उसका कार्य है, किंतु दोनों अनन्य होने से ही अयमात्मा ब्रह्म कहा जाता है। अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ है समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। जिस प्रकार शरीर में जीवात्मा है, उसी प्रकार जीवात्मा में परमेश्वर स्वरूप है और परमेश्वर व्यापक है। परमेश्वर शरीर में जीव को प्रवेश कराकर जीव के भीतर स्वयं अनुप्रष्ठित और अनुप्रविष्ट हो जाता है। वह पारब्रह्म ही सबका अंतरात्मा है। जीवात्मा उसका अंतरात्मा नहीं है, परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा एवं सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। जीवात्मा दृष्टा होते हुए भी उसका दृष्टापन परमेश्वर के ही कारण है। जीवात्मा अनुस्वरूप है, वह परमात्मा की भांति विभू स्वरूप नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा ईश्वर से भिन्न हो गया है, किंतु जब वह अपने समस्त आवरणों का परित्याग कर देता है तो उसकी यह भिन्नता मिट जाती है तथा वह ब्रह्म में उसी प्रकार लय हो जाती है जैसे सागर में बूंद। कुछ मतावलंबी यह भी मानते हैं कि उस समय भी भेद बना रहता है। जीवात्मा परमेश्वर के साथ ही सरल भाव से रहने वाला है, किंतु वह परमेश्वर की भांति जगत की रचना नहीं कर सकता, ना यह उसका कार्य है, यह परमेश्वर का ही है। जीवात्मा में जो विकृतियां आई है वह देहाभिमान के कारण आई है। देहाभिमान छूटने पर ये विकार छूट जाते हैं, तभी आत्मज्ञान होता है। मन और बुद्धि भी जीवात्मा से अलग नहीं है, ये सभी की योग्यताएं एक है। बुद्धि, विवेक, विचार, मन, इच्छा, प्रत्यक्ष अनुभव, स्मृति आदि इसी के गुण है। ब्रह्मा कुमारी वाले भी जीवात्मा और परमात्मा में भेद करते हैं। वे कहते हैं सभी की आत्माएं भिन्न भिन्न है, आत्मा सभी परमात्मा नहीं हो सकती, ना आत्मा परमात्मा है। जैन धर्म भी आत्माएं भिन्न भिन्न मानता है। यह सारी व्याख्या जीवात्मा के तल की ही है, जो ईश्वर से भिन्न है। शुद्ध आत्मा और ईश्वर में भेद नहीं है। जीवात्मा और अनादिता, जीवात्मा और उसके कर्म अनादि है। प्रलय काल में भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। जीव और उसके कर्म ब्रह्म में सूक्ष्म रूप से और सूक्ष्म रूप में उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं, जिस प्रकार जल में घुलकर भी नमक अपनी सत्ता को नहीं मिटा सकती। प्रलय काल में जीव अपने आप मुक्त नहीं होते, नए कल्प में फिर उसी के अनुसार या अनुरूप रचना होती है। वह जीवात्मा नित्य, शाश्वत व पुरातन है। शरीर के नष्ट होने से इसका नाश नहीं होता। जीव और जड़ प्रकृति दोनों ही प्रलय काल में अपने धर्म का प्रत्याग नहीं करते। जीवात्मा नित्य है,
उसका कभी नाश नहीं होता। मृत्यु के बाद वह अपने कर्म संसारों या संस्कारों के अनुरूप परलोक में जाकर पुनः नया शरीर धारण करता है। प्रलय काल में वह और यह जीवात्मा अपने कारण शरीर सहित अव्यक्त रूप में ब्रह्म में विलीन रहता है तथा सृष्टि काल में वह पुनः सूक्ष्म एवं स्थूल रूप में प्रकट होता है। यह जीवात्मा जन्म और मृत्यु से रहित है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना इसका नाश ही होता है। यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में यात्रा कर रहा है। भौतिक दृष्टि से यह अपनी यात्रा स्थूल शरीर में प्रवेश करके करता है तथा तात्विक दृष्टि से यह भिन्न भिन्न मानसिक भूमिकाओं में से गुजर कर निरंतर विकास को प्राप्त होता रहता है। शरीर से पूर्व भी इसका अस्तित्व था एवं मृत्यु के बाद भी रहेगा। शरीर तैयार होने पर यह उसमें प्रवेश करता है तथा शरीर व्यर्थ हो जाने पर यह उसे छोड़ देता है। माँ बाप के रासायनिक तत्व मिलकर उस सेल का निर्माण करते हैं जो शरीर का पहला घटक है, जो उसमें आत्मा प्रवेश कर जाता है। यदि ऐसा घटक विज्ञान की प्रयोगशाला में निर्मित किया जा सके तो जीवात्मा उसमें भी प्रविष्ट हो जाएगा। जीवात्मा को भी को तो अपनी वासना पूर्ति के लिए केवल माध्यम की आवश्यकता है। यह किसी भी प्रकार से तैयार हो केवल मुक्ता आत्माएं ही निर्वासनामय होने से उसमें प्रवेश नहीं करेगी। यह जीवात्मा ऐसे माध्यम को चुनती है जो उसमें प्रविष्ट के अनुकूल हो और उसकी वासना पूर्ति का माध्यम बन सके। यह जीवात्मा स्वेच्छा से नहीं बल्कि संस्कारों से वांछित होकर प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा की यह यात्रा शरीर से परलोक एवं परलोक से शरीर के रूप में निरंतर चलती रहती है जब तक उसे मुक्तावस्था की प्राप्ति ना हो जाए। जीवात्मा और कर्म। जीवात्मा का कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है, उसका कर्तापन अंतःकरण आदि के संबंध से है, अन्यथा यह भी कर्ता एवं निष्क्रिय है। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए गए हैं, किंतु अहंकारवश वह अपने को कर्ता मान लेता है, इसलिए वह कर्म फलों का भोक्ता भी हो जाता है। जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग एवं शक्ति से है, इसलिए उसका कर्तापन ईश्वराधीन है। जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति एवं सामग्री पूर्वकृत कर्म संस्कारों की उपेक्षा से ही प्राप्त होती है। इस शक्ति एवं सामग्री का सदुपयोग विवेक द्वारा करके वह सदाचार में प्रविष्ट हो जाता है। इसके वह स्वतंत्र है, दुरुपयोग करने पर ईश्वर दोषी नहीं है। मनुष्य की इसी स्वतंत्रता के कारण उसे सन्मार्ग पर चलाने के लिए ही विविध निषेध शास्त्रों की आवश्यकता है। जीवात्मा यद्यपि कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फलस्वरूप उसका जो स्वभाव बन गया है उसी के अनुसार वह कर्म करता है। इसलिए वह संस्कारों के अधीन है तथा इसी के कारण वह फल भोगने में भी परतंत्र है। वह कर्म फलों के भोग के लिए ही शरीर धारण करता है। जीवात्मा स्वयं अपने लिए कर्म फल की व्यवस्था नहीं कर सकता तथा परमात्मा भी उससे अलग नहीं, अलग कहीं स्वर्ग में बैठकर उसकी व्यवस्था नहीं करता। वह जीवात्मा के भीतर रहकर ही उसकी व्यवस्था करता है, इसलिए जीवात्मा उसमें भी परतंत्र है। कर्म फल ईश्वर स्वयं देता है। विवेक जागृत होने पर वह सदा या सत्कर्म में प्रविष्ट हो सकता है। कर्म संस्कारों के अलावा इंद्रियां, शरीर तथा सहकारी बाह्य कारणों की उपलब्धि में
भी वह परतंत्र है, शरीर की शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती, इसलिए वह परतंत्र ही है। जीव के सुख दुखों का संबंध उसके कर्मों से है। ईश्वर स्वयं सुख दुख नहीं देता। जीव ईश्वर का अंश होते हुए भी उसका ईश्वर से संबंध पिता पुत्र की भांति है। ईश्वर उसके सुख दुखों में लिप्त नहीं होता। इस विधि निषेध शास्त्रों का संबंध केवल शरीर से है। इस जन्म में जो सुख दुख हम भोग रहे हैं वह कुछ तो इसी जन्म में किए गए कर्मों के कारण है, वह और कुछ पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल भोग के कारण है। इस कर्मों का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए जीवात्मा को इसके फल भोग के लिए निरंतर जन्म धारण करते रहना पड़ेगा। मुक्तावस्था तक यही स्थिति रहेगी। जीवात्मा और मन, जीवात्मा कभी मन से रहित नहीं होती। मन से रहित होना ही जीवात्मा का मोक्ष कहा जाता है। जीवात्मा करता है, वह इंद्रियां उसके उपकरण है जिससे वह कार्य करती है। शुद्ध आत्मा के साथ जब प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तन का संयोग होता है तो चित्त का अविर्भाव होता है। समष्टि में इसी को महत्व कहा जाता है और इसी को महतत्व कहा जाता है। इसी चित्त से बुद्धि उत्पन्न होती है। क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, क्या इच्छा है, क्या बुरा है और क्या अच्छा है, यह निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। इसी बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अपनी सत्ता के बोध को ही अहंकार कहते हैं। अहंकार से पांच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है तथा इसी से मन और इंद्रियों का विकास होता है। चिंतन विचार इंद्रियों को प्रेरित करना तर्क आदि मन के कार्य हैं। इन तन्मात्राओं से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इन पांच प्रकार के महाभूत हैं ज्ञान इंद्रियों, पांचों कर्म इंद्रियों, इंद्रियों के पांच विषय तथा मन। इन 16 विकारों से युक्त जीवात्मा का स्वरूप है। यह जीवात्मा ही मन को प्रेरित करता है। जीवन जीवात्मा का गुण है। मन भी जड़ है और जीवात्मा की शक्ति से कार्य करता है। मन और आत्मा का संबंध मोक्ष पर्यंत रहता है। पुनर्जन्म का कारण भी मन ही है तथा यह नए जीव में भी साथ रहता है। मृत्यु पर सिर्फ पांच भूत छूटते हैं जो जड़ है। जीवात्मा का लिंग निर्धारण। संस्कृत में आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। स्त्री और पुरुष के रूप में जन्म लेने का आधार जीवात्मा से जुड़ी मान्यताएं ही है। यह जीवात्मा भीतर से जैसी इच्छा रखती है वैसे ही संस्कार उसके गहरे हो जाते हैं जो उसके वास्तविक और व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। किसी विशेष अनुभव की प्रतिक्रिया से इन मान्यताओं में आकस्मिक परिवर्तन भी आ जा सकता है या धीरे धीरे भी परिवर्तन होता है। यह मान्यताएं अंतःकरण से संबंधित है। जीवात्मा पुरुष रूप धारण करेगी या स्त्री रूप, यह अहम भाव की मान्यता पर निर्भर है। उसमें जैसी इच्छा उमड़ेगी वैसी ही मान्यताएं जड़ जमा लेगी तथा वैसा ही लिंग निर्धारित हो जाएगा। वाल्मीकि अजामिल अम्बपाली अंगुलीमाल ने अपनी मान्यताएं बदली तो उसका व्यक्तित्व भी बदल गया। लिंग परिवर्तन ही ऐसी ही मान्यताएं बदलने से होता है। जब कोई जीवात्मा अपने वर्तमान लिंग के प्रति गहराई से असंतुष्ट होती है या उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों की दिशा ही बदल जाती है तो लिंग
परिवर्तन समेत व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। इसी से इस जन्म की नारी अगले जीवन में पुरुष और इस जन्म का पुरुष अगले जीवन में नारी बन सकता है। व्यक्तित्व में जो प्रविष्टियां या प्रविष्टियां प्रधान हो जाती है जीवात्मा का वही लिंग बन जाता है। सामान्य कर्म में हर व्यक्ति में दोनों ही लिंगों संबंधी कुछ प्रविष्टियां विद्यमान रहती है, किंतु प्रधानता किसी एक की ही होती है। विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक पुरुष के भीतर उभय लिंगों का अस्तित्व होता है। नारी के भीतर नर सत्ता भी होती है जिसे एनिएम्स कहते हैं। इसी प्रकार नर के भीतर नारी की सूक्ष्म सत्ता भी रहती है जिसे एनिमा कहते हैं। प्रजनन अंगों के गामर में विपरीत लिंग का अस्तित्व भी होता है। किसी किसी में विपरीत लिंगी व्यक्तित्व प्रबल हो उठता है। ऐसी स्थिति में शल्य क्रिया द्वारा परिवर्तित लिंग वाला व्यक्तित्व उभर आता है। जिस व्यक्ति में नारी प्रवृत्तियों की प्राधानता होती है वह अगले जन्म में नारी बन जाता है, तथा जिस नारी में पुरुष प्रधान प्रवृत्ति होती है वह अगले जन्म में लड़का बन जाता है। इस परिवर्तन मनोवृत्ति के परिवर्तन के परिणाम है। निम्न उदाहरणों से इसकी पुष्टि होती है। ब्राजील निवासी श्रीमती इडाल रेंस 12 बार बच्चों की मां बन चुकी थी। उसकी संतान प्रजनन की संभावना छीन हो चुकी थी, किंतु उसकी लड़की इमिलिया को लड़की होने से घोर ग्लानी थी। उसके कहा, मैं पुनः तुम्हारे गर्भ में पुत्र रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। इसके 20 वर्ष की उम्र में जहर खा लिया। कुछ ही दिनों बाद वह उसी माँ से पुनः पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। माँ बाप ने उसका नाम पोलो रखा। उसकी प्रवृत्तियां इमिलिया जैसी ही थी। श्रीलंका की एक 2 वर्षीय लड़की ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़का ही थी। परमाणु वैज्ञानिकों ने खोज की तो पाया कि उसका दिया गया विवरण प्रमाणित था। अपने पूर्व जन्म में उसने तिजरत नामक लड़का होने की बात कही थी। इस लड़की में लड़के की सारी विशेषताएं विद्यमान थी। ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी युवती एरिका का लिंग परिवर्तन ऐसे ही हुआ। सन 1866 में 18 वर्ष की उम्र में वह बर्फ पर फिसलने की प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन बन गई थी। 1867 में वह पुनः तैयारी कर रही थी, किंतु उसकी शारीरिक जांच करने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके भीतर का पुरुष व्यक्तित्व विकसित हो चुका है। अतः उसे लड़की वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के अयोग्य ठहरा दिया गया। लड़की ने अपना ऑपरेशन करवा लिया। 7 माह तक उपचार चलने के बाद वह पूर्ण विकसित लड़का बन गई। उसके रिनेट नामक एक लड़की से 1875 में विवाह कर लिया। 1876 में वह एक लड़के का पिता भी बन गया। भारत के सोलन शहर के निवासी जियालाल सुनार की तीसरी लड़की सुनीता के 4 वर्ष की उम्र में ऑपरेशन के उपरांत लड़का बन जाने की विघटना ताजी है। सितंबर 1878 के आरंभ में उसका ऑपरेशन
छह डॉक्टरों ने उनके मूत्र मार्ग को पुरुषों के मूत्र मार्ग में बदलना आसान समझकर ऑपरेशन किया, वह लड़का बन गई। महाभारत में भी शिखंडी का उदाहरण है कि वह पहले स्त्री थी, वह बाद में पुरुष बन गया। व्यक्ति में उभय लिंगों के अस्तित्व के कारण ही भारतीय अध्यात्म ने हजारों वर्ष पूर्व अर्धनारी की बात कही थी, जिसे विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है। भारतीय अध्यात्म का आधार पूर्ण वैज्ञानिक है, यह कई प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है। स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर। स्थूल शरीर या आत्मा पांच कोशों से आवृत है। ये कोशें हैं अलमय, प्राणमय, अनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय। जो इन पांचों कोशों को पुनः आत्मा में लय कर देता है वही मुक्त कहलाता है। यह आत्म तत्व अव्यक्त है। शरीर मन और बुद्धि व्यक्त है। आत्मा मन बुद्धि और शरीर का संयुक्त रूप ही मानव है। आत्मा जड़ और चेतन दोनों में व्यक्त है। इन दोनों का भेद इन इंद्रिय विकास से है। इसमें इंद्रियों का विकास हो गया है वह चेतन है, तथा जिसमें यह विकसित नहीं हुआ उसे जड़ कहा जाता है। यह अलमय कोष ही स्थूल शरीर है, जिसका पोषण अन्य से होता है। ये पांच भूत स्थूल होकर स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। इसी स्थूल शरीर के कारण संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। जन्म मरण, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इसी शरीर की भिन्न अवस्थाएं हैं। शरीर के समस्त कर्म एवं अनुभव इसी शरीर से होता है। चेतना का विकास भी इसी के मध्य से होता है। अध्यात्म साधना का यही एक माध्यम है, जिससे जीवात्मा को परमात्मा की ज्ञान होता है। इसलिए यह शरीर किसी भी प्रकार तुच्छ नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसे मिथ्या कहकर इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता और कभी भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता। ना इसे व्यर्थ मानकर इसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसे सताना, उसका दमन करना, उत्पीड़न करना उचित नहीं है। इसको ईश्वर का वरदान समझकर इसका सदुपयोग करना। दुरुपयोग करने पर शरीर दोषी होता है। यह जीवात्मा का उत्तम सेवक, सहभागी एवं आज्ञाकारी सेवक है। जैसा इसे रखो रह जाता है। इसे महल में रखो या झोपड़ी में, मंदिर ले जाओ या मदिरालय में, यह सब में जारी है और सब में राजी है। कभी विरोध नहीं करता, इसलिए इसे सजा देना पागलपन ही है। शरीर के कार्यों का दायित्व मन पर है, उस पर नियंत्रण अवश्य और आवश्यक है। अच्छा बुरा सब इसी से होता है। स्वर्ग नरक और मुक्ति में भी यही ले जाता है। सारी साधना मन को काबू में करने की है। सूक्ष्म शरीर। इस स्थूल शरीर के पीछे जीवात्मा का एक सूक्ष्म शरीर भी है, जो इस स्थूल शरीर का कारण है। इस स्थूल या सूक्ष्म शरीर 10 इंद्रियों, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या, काम और कर्म से बना है। यह चेतन शक्ति से संयुक्त होकर भी जीव कहलाता है। यही सूक्ष्म शरीर वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला है। जब तक इसे अपने सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यह अनादि काल तक जीवित रहता है। इसकी मृत्यु या नाश होने पर ही जीवात्मा मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। इसकी अभिव्यक्ति स्वप्न में होती है। चिदात्मा पुरुष के सभी व्यापारों का कारण यह सूक्ष्म शरीर ही है। इस सूक्ष्म शरीर
लिंग शरीर के अधीन है, अतः सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए गए समस्त कार्यों का दायित्व इसी पर है। मनुष्य मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से कर्म करता है, मृत्यु के बाद भी यह मन के साथ ही रहता है। शरीर द्वारा किए गए समस्त पाप पुण्य को यह अपने ऊपर ले लेता है, इसी कारण इसी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु के बाद जीवन के लिए और जीवन में किए गए सभी अनुभव संस्कार रूप में इसी में संग्रहित रहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर ही जीवात्मा का स्वरूप और स्वशरीर है। जब तक जीव दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पहले के शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। जीव के जन्मादि का यही कारण है, इसी से हर्ष शोक भय सुख दुख आदि का अनुभव होता है। इसी के द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है। मृत्यु के समय यह जीवात्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, तथा नए जन्म पर यह सूक्ष्म शरीर भी फिर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और मृत्यु पर्यंत बना रहता है। बार बार जन्म लेकर यह जीवात्मा जीवन में पुनः अनुभवों के आधार पर उच्चांता का अनुभव करती हुई निरंतर विकास को प्राप्त होती है। जीवात्मा का विकास भौतिक शरीर के बिना नहीं हो सकता, इसलिए बार बार जन्म लेना आवश्यक है। मृत्यु के बाद इन अनुभवों का पाचन होता है, नया तथा नए अनुभव प्राप्त करने के लिए यह फिर नया शरीर धारण करता है। भौतिक शरीर धारण करना ही जीवात्मा का अवतरण है, यही उसकी विकास प्रक्रिया का अंग है। मृत्यु के समय केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होती है। मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान, विकार आदि ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इन सब का संग्रहित भूत बीज ही हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। यही जीवात्मा को आगे की यात्रा पर ले जाते हैं, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति के ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसको जाने की कहीं जगह नहीं बचती, जिससे उसके नए जन्म का कोई कारण ही नहीं रहता। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का एक यंत्र की भांति उपयोग करता है। जब यह यंत्र बेकार हो जाता है, तो वह उसे फटे वस्त्र की भांति फेंक कर नया स्थूल शरीर धारण कर लेता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में भी सूक्ष्म शरीर की कल्पनाओं के दर्शन होते हैं। सूली के बाद जीसस का पुनर्जीवित होकर लोगों को 40 दिन तक दिखाई देना उसका सूक्ष्म शरीर ही था। मनुष्य के सारे अनुभव स्थूल शरीर के ही हैं, योगियों के अनुभव सूक्ष्म शरीर के हैं, तथा परम योगियों के अनुभव परमात्मा का अनुभव है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर अनेक हैं, किंतु परमात्मा एक है। सूक्ष्म शरीर पर रुकने वाले आत्माओं को अनंत मानते हैं, किंतु जिन्हें आत्मा अनुभव हो जाता है, वे कहते हैं परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। जिसने इस सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर दिया, उसका जन्म मरण नहीं होता। यह सूक्ष्म शरीर न्यूट्रॉन नामक कणों से निर्मित होता है। ये न्यूट्रॉन कण अदृश्य, आवेश रहित और इतने हल्के होते हैं कि इसमें मात्रा और भार नहीं के बराबर होता है। ये भी स्थिर नहीं रह सकते और प्रकाश की तीव्र गति से सदा चलते रहते हैं। यदि इन कणों को किसी दीवार की ओर छोड़ा जाए, तो ये दीवार को पार कर अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु इन्हें नहीं रोक सकती। परमाणु वैज्ञानिक खोजों के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर किसी भी स्थान पर किसी भी परिमाण में अपने को प्रकट व पुनर्लय कर सकता है। वैज्ञानिकों ने इस विषय में
सफल प्रयोग भी किए हैं और पाया कि इस स्थूल शरीर के भीतर एक और शरीर भी है जिसे सूक्ष्म शरीर या भाव शरीर कहते हैं। इसका प्रकाश स्थूल शरीर के इर्द गिर्द चमकता रहता है। परामनोवैज्ञानिकों ने इस सूक्ष्म शरीर को देखा ही नहीं बल्कि इसके चित्र भी लिए हैं। रूस के एक वैज्ञानिक दंपत्ति किलियान तथा वेलेस्टिना ने मिलकर एक ऐसा कमरे का निर्माण किया है जिससे मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं के सूक्ष्म शरीर के चित्र खींचे जा सकते हैं। चेकोस्लोवाकिया के वैज्ञानिक ब्रेतिस्लाव ने परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके चारों ओर दिखाई देने वाला भाव मंडल ओरा लुप्त हो जाता है। मृत्यु के समय उसकी लपटें और चिंगारियां शून्य में विलीन हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर हर जीवित प्राणी तथा पेड़ पौधे में भी होता है। पुनर्जन्म के समय गर्भ में यह जीवात्मा अणु शरीर में प्रवेश करता है। इस अणु शरीर की प्रकृति के अनुसार ही परमात्मा या आत्मा उसमें प्रवेश करती है। श्रेष्ठ अणु में श्रेष्ठ आत्मा ही प्रवेश करती है एवं निकृष्ट अणु में निकृष्ट आत्मा। मृत्यु के बाद धारण आत्माएं 13 दिन के भीतर नए जन्म की खोज कर लेती है। अधिक निकृष्ट एवं अधिक उच्च आत्माओं को लंबे समय तक रुकना पड़ता है जिन्हें प्रेत भूत या देवता आदि कहते हैं। कारण शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के पीछे इसका कारण शरीर होता है जो सत्व रज एवं तम गुणों से मुक्त है। यही इस सूक्ष्म शरीर का कारण है। तत्व गुण शुद्ध है किंतु वह रज और तम के साथ मिलकर संसार बंधन का कारण होता है। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आनंद और परमात्मा में स्थित ये सत्वगुण के धर्म हैं। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है जिसमें सनातन काल से विशेष क्रियाएं होती है। इससे राग द्वेष और दुख उत्पन्न होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह दंभ दूसरों के दोष ढूंढना अभिमान ईर्ष्या मत्सर्य रजोगुण के धर्म है। इसी से जीव कर्मों में प्रविष्ट होता है। यह रजोगुण ही बंधन का हेतु है तथा इसी और यही जन्म मरण का कारण है। अज्ञान मूढ़ता आलस्य प्रमाद जड़ता निद्रा आदि तम के गुण हैं। जागृत अवस्था का संबंध स्थूल शरीर से है। स्वप्न का सूक्ष्म शरीर से एवं सुसुप्ति का संबंध इस कारण शरीर से है जिसे कर्म शरीर भी कहते हैं। यह कारण शरीर ही बीज शरीर है जिससे अन्य दूसरे या दोनों शरीरों का निर्माण होता है। यही कारण शरीर सभी अर्ध चेतन का भंडार है जिसमें मनुष्य की सारी शक्तियां और संस्कार संग्रहित रहते हैं। मनुष्य के सारे कार्य गतियां व्यवहार हार और परिस्थितियां इसी कारण शरीर के संग्रह से ही आती है। यही कारण शरीर मनुष्य का केंद्र है। यह कारण शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से अन्य दोनों शरीर प्रभावित होते हैं। इस कर्म शरीर को दिए गए सुझावों का दोनों शरीरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। इसे देवी सुझाव देने पर वह ईश्वर हो जाता है। इसी कर्म शरीर पर नियंत्रण करके मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। स्थूल शरीर का निर्माण सूक्ष्म शरीर से होता है। इसकी सामग्री कारण शरीर से प्राप्त होती है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था
सुषुप्ति है जिसमें बुद्धि की समस्त विकृतियां लीन हो जाती है तथा सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्धि बीज रूप में ही स्थित रहती है, इस कारण शरीर के भीतर जो आत्मा है वह सूर्य की भांति है, वह स्थिर है, शरीर की परिवर्तनशील एवं अस्थाई है। इस कारण शरीर से मुक्त होने पर ही जीवात्मा का ब्रह्म में लीन होता है। इसके रहते वह मुक्तावस्था का अनुभव तो कर सकता है किंतु ईश्वर से पार्थक्य बना रहता है जो द्वैत की स्थिति है। अधिकांश जीवात्मा यही कर चुकी है और यही पर रुकी रहती है, इसलिए द्वैत को ही अधिक प्रतिष्ठा दी गई है। जीवात्मा की सर्वोच्च स्थिति को अद्वैत ही है किंतु उसे प्राप्त करना दुष्कर है, इसका अनुभव मात्र किया जा सकता है।